इसरो प्रमुख के सिवन ने शनिवार को बताया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऑर्बिटर में 8 इंस्ट्रूमेंट हैं जो सटीकता से काम कर रहे हैं, लेकिन अब लैंडर विक्रम से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लैंडर विक्रम के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अगली प्राथमिकता गगनयान मिशन है। चंद्रमा पर दिन ढलने के साथ ही शनिवार को रात का अंधेरा छा गया और इसके साथ ही लैंडर का जीवन खत्म हो गया। इसरो ने कहा कि चंद्रमा पर रात होने के बाद लैंडर में लगी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी और एक बार स्लीप मोड में जाने के बाद यह दोबारा सक्रिय नहीं हो सकेगा। दोबारा संपर्क स्थापित होने के लिए 14 दिन बेहद अहम माने जा रहे थे, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी थी और वे लगातार लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने की कोशिशों में जुटे थे। लेकिन अब इसरो चीफ ने साफ कर दिया है कि अंतिम दिन भी लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। कारण यह है कि इसके बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पर रात हो गई है और रात के दौरान तापमान बहुत नीचे चला जाता है। कई बार तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक चला जाता है। लैंडर और उसके अंदर फंसे रोवर पर जो वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं उन्हें इतने कम तापमान पर काम करने लायक नहीं बनाया गया। इस तापमान तक आते आते कई उपकरण हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। चांद के दिन और रात धरती के 14-14 दिन के बराबर होते हैं। बता दें कि भारत के मिशन चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चला था। अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कई उम्मीदें हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा पर हीलियम 3, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे मूल्यवान पदार्थ हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ऑर्बिटर पहले से निर्धारित 1 साल की तुलना में 7 साल तक चंद्रमा की परिक्रमा करके प्रयोगों को अंजाम देता रहेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।